अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आकिब और आप सबको वेलकम करता हूं बजीज वर्ल्ड में। साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि आप और आपके बर्ड्स खैर खैरियत से होंगे, हर बीमारी परेशानी से दूर होंगे। आज का जो टॉपिक है वो धनिया पुदीने के बारे में है। नॉर्मल धनिया जो आप घर पर यूज़ करते हैं, पुदीना जो आप घर में यूज़ करते हैं, वो बर्ड्स को किस तरह से देना चाहिए, किस मौसम में देना चाहिए और किस टाइम पर देना चाहिए, ये सारी डिटेल मैं आपको इंशाल्लाह आज बता दूँगा। जो धनिया होता है और पुदीना होता है, ये बेसिकली ठंडा, बहुत ठंडा होता है, पुदीना ज़्यादा ठंडा होता है। और प्रेफर किया जाता है कि ये जो चीज़ें होती हैं ये गर्मी में दी जाएँ, सर्दी में चीज़ें नहीं दी जाती क्योंकि ब्रीड में बहुत इफ़ेक्ट आ जाता है बर्ड्स की। अगर आप पुदीना, जो पुदीना होता है उसको मुसलसल यूज़ करवाएं, मतलब हफ्ते में 3-4 दफ़ा यूज़ करवाएं, तो आपका ब्रीड आपकी जो है ख़राब हो सकती है, मेल की फर्टिलिटी जो है उसमें फ़र्क आ सकता है, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं क्योंकि ये चीज़ बहुत ठंडी होती है। और इनकी जो ब्रीडिंग है वो तभी होती है जब आपका जो मेल है वो हीट पर हो। तो आपने क्या करना होता है, इस चीज़ को तब देना होता है जब आपको लगे कि बहुत ज़्यादा गर्मी है या आपको लगे कि आपके बर्ड्स को अब ज़रूरत है इन चीज़ों की। तो ये चीज़ हमेशा जो मैंने दी है वो इन्हें गर्मियों में दी है, बहुत ज़्यादा जब गर्मियाँ होती हैं या जब मौसम ऐसा होता है तब देते हैं। और अगर आप इसको हफ्ते में एक दफ़ा भी दें तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, इसका फ़ायदा जो है वो ये है, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, इनका जो पेट होता है, धनिया पुदीना खाने की वजह से इनकी पेट की काफ़ी बीमारियाँ, खराबियाँ दूर हो जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल इनके दूर हो जाते हैं। और भी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो हफ्ते में एक दफ़ा या 15 दिन में एक दफ़ा ये चीज़ लाजमी दें। देने का तरीका मैं आपको बता दूंगा, मैं जिस तरह देता हूँ अगर आप उस तरह दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं सिर्फ धनिया नहीं देता या सिर्फ पुदीना नहीं देता, मैं धनिया और पुदीना दोनों मिक्स करके देता हूँ। अगर आप देखें तो ये देखें तो ये तरीका है इनको देने का। आपने धनिया पुदीना दोनों इक्वल काट लेना। पुदीने की तादाद थोड़ी सी मैंने ज़्यादा रखी हुई है क्योंकि वो ठंडा होगा और इनको ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। अब जब मैं इन सबको दे दूंगा तब आप देखिएगा कि इनका क्या तरीका होगा, किस तरीके से खाते हैं। और अगर आपने आज तक नहीं दिया, मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम देने लगे हैं, तो इसकी तादाद कम रखिएगा, कम रखेंगे और इनको फिर दिएगा तो खा लेंगे। बर्ड्स अगर तब भी नहीं खाते हैं तो इसका एक और रीज़न है, आप इसके अंदर थोड़ा सा लूसन या पालक जो आपके बर्ड्स ज़्यादा शौक़ से खाते हैं वो डाल के मिक्स करके बर्ड्स को दिएगा तब भी ये खा लेंगे। तो मैं इनको भी देता हूँ फिर आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ। तो जनाब ये प्रोसीजर है धनिया पुदीना डालने का, मैंने डाल दिया अगर आप देखें तो। अब आहिस्ता आहिस्ता सारे नीचे उतरेंगे और खाना शुरू कर देंगे। और एक और बात अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये धनिया पुदीना जो है ये इस मौसम में अगर आप हफ्ते में एक दफ़ा देंगे तो आपके बर्ड्स हीट स्ट्रोक से बचे रहेंगे, बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। अगर इस कॉलोनी अगर मैं हटूँगा तभी ये खाएँगे, मैं आपको इंडिविजुअल केजेस की दिखाता हूँ। तो देखिए माशाल्लाह जितनों को डाला है सब आहिस्ता आहिस्ता खाना शुरू हो गए हैं। चिक्स को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। फ़ायदा क्या होता है कि आपके जो चिक्स हैं वो बीमार नहीं पड़ते, हीट स्ट्रोक की वजह से अपने आप को नुकसान नहीं देते ज़्यादा, क्योंकि गर्मी ऐसी है कि अगर आप ये चीज़ देंगे ज़्यादा शौक से खाएंगे। तो मैं आपको ये चिक्स अभी निकले हैं इस दफ़ा, तो आप देखें ये भी बड़े शौक से खा रहे हैं। अगर आप जिस बर्ड को जिस चीज़ का आदि कर देंगे वो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह से खाना शुरू कर देगा। चलें जी, ये बर्ड्स आना अब नीचे शुरू हो गए हैं, अब इंशाल्लाह अब आहिस्ता आहिस्ता सारे बर्ड्स नीचे उतर जाएंगे और खाना इसको शुरू कर देंगे। खैर अब काफ़ी लोग पूछेंगे वीडियो में मैंने ये क्यों लगाया हुआ है, तो यार ये इनको शेल्टर दिया हुआ है थोड़ा सा, काफ़ी डरते थे बर्ड्स, खास तौर पर जो तीतर है वो डरता है, तो इसलिए एक शेल्टर दिया हुआ है। अब आपने देख लिया बर्ड्स खाते हैं शौक से, आपको प्रूफ भी मैंने दे दिया। अब आपने इनको हफ्ते में एक दफ़ा या 15 दिन में एक दफ़ा गर्मी में ये चीज़ खिलानी है, इसका फ़ायदा होगा। आप अपने फिशर्स को भी खिला सकते हैं, मैंने फिशर को भी दिया है, वो भी खाएंगे अभी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें बजीज वर्ल्ड। अल्लाह हाफिज़।